हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 1 अक्टूबर 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:39 हो रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, हालांकि हफ्ता महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन भी है, तो मंथली चार्ट को भी एक बार एनालिसिस करेंगे। काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 38 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,279 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,161। तो जैसे कि रेजिस्टेंस के पास था डेली चार्ट पर, 20 EMA के पास हर्डल फेस कर रहा था निफ्टी इंडेक्स। तो अनुमान था कि ये जो निफ्टी इंडेक्स है एक्सपायरी के पहले एक फ्लैट नोट पे ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास कल इसने रेजिस्टेंस फेस किया शुरू में, और काफी एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था। लास्ट आवर बचा था तभी इसने ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया और ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के करीब इसने हमारा टारगेट लगभग अचीव कर लिया था। हाई 11,295 का इसने हाई लगाया और फिर से एक बार यहाँ पर ऊपर की तरफ जो 20 EMA आ रहा था डेली चार्ट में, वहां पर इसने हर्डल फेस किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। नासडैक कल US मार्केट देखे तो तेजी के साथ बंद हुए, 82 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट लगातार कमजोरी दिखा रहे लास्ट 3 वीक से, वहां पर जो कोरोना वायरस का सेकेंड वेव वहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो यूरोप में थोड़ा सा परेशानी वाला माहौल वहां पर इस समय बना हुआ है। एशियाई बाजार देखे तो SGX निफ्टी 110 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स फ्लैट नोट पे साथ यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी के लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 203 पॉइंट की जबरदस्त बढ़त इस समय देखने को मिल रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर को देख के कि निफ्टी इंडेक्स भी जबरदस्त गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। तो मंथली चार्ट से एक बार शुरू करेंगे, नया मंथ शुरू हो रहा है, तो लास्ट महीना कहाँ पर ये क्लोज हुआ था उसको एक बार नजर डालेंगे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो बेरिश कैंडल है, बार बार हम ये इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इसका ये जो हाई बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी 1 महीने में करीब। ये लंबा कैंडल ये जो बना है ये मार्च महीने का है, तो ये इसका जो हाई बन रहा है यहाँ पर, इस हाई के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है मंथली चार्ट में भी। तो अगर यहाँ से हमें क्लोज मिलता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से तभी हमें जबरदस्त अपसाइड मूव कंटिन्यू होते दिखाई दे सकती है। अभी लास्ट मंथ अगस्त और अभी सितंबर जस्ट इसके नीचे आके ये क्लोज हुआ है,
और आप देख सकते हैं नीचे, जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे थे 20 EM में, किस तरह से पास्ट में इसने बार बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया, उसी तरह सितंबर महीने में भी इसने एक बार फिर से 20 EMA का ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। और कैंडल भी देखे तो वीक बियरिश कैंडल बना, यानी ये जो हाई, ये हाई और ये जो लो लेवल है इसका अगर हाफ पोर्शन निकाले, इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है, भले रेड कैंडल बनने दे लेकिन इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है, यानी ये वीक बियरिश कैंडल है, यानी स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, ये हाफ पोर्शन के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ से और तेजी देखनी है तो ये जो इनसाइड बार, लगभग इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है इस महीने में, तो ये जो अगर अगस्त महीने का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है और निफ्टी इंडेक्स नए हाईज, ऑल टाइम हाईज बनते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हर्डल है, ये जो बियरिश कैंडल है, लॉन्ग बियरिश कैंडल, इसका हाई लास्ट 2 मंथ से हर्डल बन रहा है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो यहाँ से हमें अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है। ये वीकली सॉरी मंथली चार्ट का एनालिसिस था। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ है। अगर कल का एनालिसिस देखा हुआ था तो यहाँ पर 20 EMA हर्डल फेस कर सकते हैं और नीचे ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसके बीच में कल ये ट्रेड होते रहा लगभग, तो अगर अभी ये स्विंग, ये जो स्विंग लो है यहाँ से ऊपर स्विंग हाई और इसे अगर लो पकड़ के ये ड्रॉ करे फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, तो अराउंड 11,300 के पास ही 23.6% का लेवल है। इसके ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट का लेवल हमारा हो सकता है 11,381। तो ये एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन ये टारगेट्स होंगे अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से राइज कंटिन्यू बनाता है। तो अगर 11,300 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 11,381 टारगेट होगा फर्स्ट, और नीचे सपोर्ट बन रहा है 11,177 के पास, मान लेते हैं ये 50 EMA का जो ब्लू लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो डेली और मंथली चार्ट का हमने एनालिसिस किया। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 23.6% का जो लेवल है, ये जो जोन बन रहा है लास्ट 2 डेज से, एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इसका अपर बैंड का लेवल इसी लेवल के पास आ रहा है। तो अगर आज हो सकता है गैप अप ओपन भी हो, एक्सट्रीम गैप अप ओपन हो, तो ये जो लेवल बन रहा है इसके ऊपर, यानी अपर बैंड के लेवल के ऊपर अगर कंफर्टेबली अगर ये सस्टेन करता है, यानी 11,309 के ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,336, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,366, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट करना होगा, इसके ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,381। ये सेकंड टारगेट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही, अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो, और नीचे की तरफ अगर चला जाता है तो इसका ये जो लोअर लेवल बन रहा है, यानी ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, यानी अराउंड 11,195 के नीचे सस्टेन करता है हाफ एन अर्ली चार्ट में, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,172, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,148, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।